हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। CUET के सब्जेक्ट्स को लेके बहुत बड़ा अपडेट है, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो आप लोग अपना कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं अगर आपने बी फार्मा में एडमिशन लेना है थ्रू CUET, ठीक है? तो मैं आपको कंप्लीटली गाइड करती हूँ कि कैसे आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी, एक बेस्ट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बी फार्मा करवा रही हैं CUET के अंदर पार्टिसिपेट करके। ईच एंड एवरीथिंग की जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलती है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बस आपको करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी और मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारा ऐप जाके विजिट करिए, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे BSP फार्मेसी के नाम से। दूसरा, अगर आप हमारी वेबसाइट से भी किसी कोर्स के लिए पेमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स के ऊपर। और हमारा जो कोर्स है CUET का, वो कॉफी के रेट में हम आपको दे रहे हैं। उसमें हम आपको बहुत सारे MCQs, 6000 से ज्यादा MCQs हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहे हैं। टेस्ट पोर्टल बिल्कुल फ्री रहेगा इस कोर्स के अंदर, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप खूब टेस्ट पोर्टल का इस्तेमाल करो, वरना आप कहीं भी कोर्स लेने जाते हो तो कोर्स आपको मिल जाता है, टेस्ट पोर्टल के लिए आपको फर्दर पैसे देने पड़ते हैं, वो हमारे पास बिल्कुल फ्री होगा। सारी चीजें इस कोर्स के अंदर आपको बेहतरीन मिलेगी, जाइए एक बार विजिट कर लीजिए। दूसरी चीज, कैसे कैसे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है? तो एक आंकड़ा जो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो क्या है, वो देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि मैम सब्जेक्ट्स का क्या रहेगा। तो यहां देखिए आप, 2022 में जो CUET था उसने कहा कि भाई आप 9 सब्जेक्ट्स के साथ पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है? फिर आया 2023, इन्होंने कहा कि आप 10 सब्जेक्ट्स के साथ पार्टिसिपेट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आप 2024, अब ये 6 सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं भाई, जब 2022 में 9 कहा, 2010 में इन्होंने 10 सब्जेक्ट दे दिए, तो अब हमें मात्र 6 सब्जेक्ट क्यों? ये रिडक्शन क्यों हुआ है? ये तो बल्कि और इंक्रीमेंट होना चाहिए था, ये रिडक्शन क्यों हुआ है? ये रिडक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो लेंथी प्रोसीजर था ना CUET का, ज्यादा ये बच्चों को बोल दे रहे हैं कि तुम इतना कर लो, लिमिट कुछ लगा नहीं रहे हैं। और ये इंडिया, मतलब भारत के बच्चे हैं और भारत में स्टूडेंट्स कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको मौका मिला कि इतने सब्जेक्ट्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, भाई इतने सब्जेक्ट्स हमें मिल गए हैं सेलेक्ट करने के लिए, तो भाई वो भर भर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे थे जो यूजलेस थे। उनको पता नहीं है क्यों करना है, कैसे करना है, मैं क्यों कर रहा हूं, और उन्होंने 10-10 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए। अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 10 पेपर कराना कितना मुश्किल है, सोच के देखिए आप। 10 पेपर कराना, अगर एक दिन में उसके 2 पेपर भी करा रहे हैं तो 5 दिन लगते हैं एक बच्चे के पेपर कराने में। और लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट ने भाई, 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, सोच के देखो तुम। 15 लाख, 14.9 लाख बच्चों ने सबमिट किया था, फी सबमिट की थी, और मान के चलो अगर 14.5 लाख बच्चों ने भी पेपर दिया होगा और उनके 10-10 पेपर कंडक्ट कराना कितना हेक्टिक हो गया था। तो यही चीज है कि जब नीड नहीं है इतने सब्जेक्ट्स की तो क्यों, है ना भाई? अब मैंने यहाँ पे एक फार्मा के लिए बनाया है कि भाई आप इतने सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, उसमें भी फिर मैं मैक्सिमम मैक्स 5 कर पा रही हूँ, तो बच्चों ने 10-10 करके तो बेवकूफी की ना, उन्होंने अपना भी टाइम वेस्ट किया, NTA का भी किया, और अपना फिर उन्होंने रिजल्ट भी खराब किया। तो वो चीजें करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक बनाया है कि आप लोग क्या कर सकते हो। तो आप लोग, अगर आपको 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं तो आप एक लैंग्वेज ले लो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बोला था ना कि आप लोग सिर्फ 3 डोमेन्स लो, तो वहां पे कुछ बच्चों का कहना था कि मैम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, मेरे को वो भी टारगेट करना था, बट उसमें लैंग्वेज भी मांग रहा है। दूसरा बोला कि मैम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, डोमेन तो वो मांग रहा है लेकिन उसके साथ जनरल टेस्ट भी मांग रहा है। तो देखो, मैं फिर वही बोलूंगी, 99% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके जनरल टेस्ट सॉरी डोमेन्स के साथ आपका एडमिशन लेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। लेकिन 1% जो अच्छे यूनिवर्सिटी है जिनको बच्चे टारगेट करना चाहते हैं, वो या तो एडिशनल में लैंग्वेज मांग लेगी, एडिशनल में जनरल टेस्ट मांग लेगी, तो बच्चे उससे भी वंचित ना रहे। इसलिए मैं बोल रही हूं एक लैंग्वेज अपने एग्जाम फॉर्म में सिलेक्ट करो, 3 डोमेन्स, ठीक है? डोमेन्स मतलब जो आपके पास 12th में सब्जेक्ट थे वो, और एक जनरल टेस्ट, ये आप सिलेक्ट कर लो। फिर एग्जाम टाइम पे इनकी प्रिपरेशन कर लेना, अच्छी प्रिपरेशन डोमेन्स की कर लेना। बस हां, ये हो कि आपने इनमें पार्टिसिपेट किया है। लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो, इंग्लिश तो आप अभी 12th में पढ़ ही रहे हो, है ना, एक पेपर भी देने आपने दो, तो वही चीज है। तो आप ऐसा ही करो। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन आपको अभी भी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट
कमेंट करो, उसके रिगार्डिंग मैं फर्दर वीडियो जरूर बनाऊंगी। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपको सीयूईटी से रिलेटेड है, ठीक है जी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।